नमस्कार दोस्तों, आज का मैच जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओमेन बिग बैश लीग का मैच नंबर 4, जो कि दोस्तों हर्बर्ट हरिकेन्स वुमेन्स वर्सेस सिडनी थंडर्स वुमेन्स के बीच में 28 अक्टूबर 12:40 यानी दोस्तों दोपहर के टाइम ये मुकाबला है जो है दोस्तों बेली राइव ओवल के पिच पर खेला जाने वाला, जो कि हर्बर्ट में पड़ता है, यानी दोस्तों हर्बर्ट हरिकेन्स टीम का ये होम ग्राउंड रहने वाला है। तो दोस्तों इस मैच की क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 होगी, क्या बैटिंग ऑर्डर होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज के इस मैच में हमारी फैंटेसी मेगा ग्रैंड लीग की टीम किस हिसाब से बननी चाहिए, किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चलना है दोस्तों, किसको फर्स्ट इनिंग में रखना है, किसको सेकेंड इनिंग में, एंड फिलहाल टर्म कार्ड खिलाड़ी दोस्तों आज के इस मैच में कौन से आपको देखने को मिल सकते हैं, सारी जानकारी दोस्तों आपको वीडियो के अंदर मिलेगी। बस आपको करना है क्या, वीडियो देखना। अगर आप इस मैच में स्मॉल लीग या मेगा ग्रैंड लीग की टीम दोस्तों बनाना चाहते हो तो भाई वीडियो पूरी देखना है आपको, ठीक है। एंड वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर सकते हो लगातार अपडेट के लिए। गाइस इस मैच में आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, क्यों कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों दोनों तरफ से आपको काफी बढ़िया बढ़िया बॉलिंग सेक्शन से प्लेयर मिलने वाले हैं। हालांकि आज के इस मैच में बॉलिंग सेक्शन इंपॉर्टेंट होगा या बैटिंग सेक्शन या दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन, सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर ही मिलेगी। दोस्तों लास्ट टाइम के अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, जहां पर आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टीम प्रोवाइड की जाती है, जो कि कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट के बारे में, यानी कि पिच का क्या रिकॉर्ड है जिस वेन्यू पर ये मैच खेला जाने वाला है। बेली राइव की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ओमेन बिग बैश लीग के टोटल 38 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें जो टीम पहले बैटिंग करी उसने 16 मुकाबले जीते और चेस करने वाली टीम दोस्तों 20 मुकाबले जीते हैं। स्कोरिंग पैटर्न क्या आ रहा है दोस्तों, 38 मैच का अगर आप देखोगे तो 150 का स्कोर 26 बार बना है, एंड दोस्तों 150 से 169 के बीच का स्कोर 10 बार बना है, एंड अगेन यहाँ पे जो है 170 से 189 के बीच का स्कोर भी दोस्तों एक बार बना हुआ है, और जो कि 190 प्लस यानी कि हाई स्कोर जो बना है दोस्तों ओनली एक बार, जो कि 212 का दोस्तों। एंड अगेन यहाँ पे देखिए अगर आप एवरेज निकालेंगे इस वेन्यू का क्या बन सकता है, तो ओमेन T20 मैच है गाइस, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 140 का मैक्सिमम आप मान के चल सकते हो, ठीक है। पिच कहीं ना कहीं ओवरऑल बैलेंसड हो सकती है, बैट्समैन और बॉलर्स दोनों के ऊपर आपको फोकस करना होगा। एंड अगेन यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे लोवेस्ट स्कोर जो रहा है 80 रन पे यहाँ पे टीम ऑल आउट भी हुई है। बाकी स्पिनर पेसर की बात करें गाइस, देखिए यहाँ पे स्पिन और पेसर दोनों को हेल्प है, बाकी स्पिन बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं दोस्तों, पेस बॉलर्स को वो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। देखिए अगर आप देख रहे हो गाइस कहीं ना कहीं T20 फॉर्मेट में क्या होता है कि पेस बॉलर्स भाई ज्यादा विकेट निकालते हैं, बट दोस्तों इस वेन्यू पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पिन बॉलर्स ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं, जो हाईएस्ट विकेट टेकर बनते हैं वो स्पिन बॉलर्स बनते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे लास्ट मैच देखेंगे जो वुमेन बिग बैश लीग का रहा 23 नवंबर 2023 का, जिसमें अगर आप देखोगे तो फिलहाल हर्बर्ट हरिकेन्स वुमेन्स टीम ने 212 का स्कोर किया था अपने होम ग्राउंड पे ही, ठीक है। बाकी अगर मेलबोर्न रेंजर्स वुमेन्स टीम की बात करें तो इस टीम ने भाई 119 रन पे ऑल आउट हो गई थी, और जहां पे अगर आप देखोगे तो पेसर को जो है दोस्तों 4 विकेटें मिली थी और स्पिन बॉलर्स को टोटल यहां पे 9 विकेटें मिली थी, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। बाकी अगर आप देखेंगे यहां पे फिर एक मैच हर्बर्ट हरिकेन्स वुमेन्स 149 का स्कोर फर्स्ट बैट करते हुए, सिडनी और सिक्सर्स वुमेन्स टीम जो है 140 बनाकर के मैच को जीत लिया था, पेसर को यहां पे 8 विकेटें थी और स्पिन बॉलर्स को दोस्तों 6 विकेट। अगेन यहां पे एक और मैच देख सकते हो हर्बर्ट हरिकेन्स 120 और यहां पे ब्रिस्बेन हीट वुमेन्स 124, एंड फिलहाल यहां पे पेसर को 5 विकेटें, स्पिन बॉलर्स को दोस्तों 6 विकेटें, मतलब स्पिनर को यहां पे भी मैच में देखोगे 7 विकेटें और इस मैच में दोस्तों 5 विकेटें, मतलब अगर आप टोटल लास्ट 4 मैच देखोगे तो यहां पे स्पिन बॉलर्स का भाई बोलबाला रहा है, हाईएस्ट विकेट उनको ही मिली है दोस्तों, ठीक है। बाकी पेसर को भी आपको इग्नोर नहीं करना, मतलब कहीं ना कहीं आपको बॉलिंग सेक्शन अपना मजबूत करके चलना है इस मैच में, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे हर्बर्ट हरिकेन्स वुमेन्स टीम का भले ही होम ग्राउंड है, बट अगर आप एक चीज यहां पे नोटिस कर रहे हो तो यहां पे लास्ट 4 मैचेस में 2 मैच यहां पे हर्बर्ट हरिकेन्स वुमेन्स ने अपने होम ग्राउंड पे हारी है, ठीक है। ये वाला मैच देख सकते हो और दोस्तों ये वाला मैच देख सकते हो, वो भी दोनों फर्स्ट बैट करते हुए, एंड यहाँ पे फर्स्ट बैट करते हुए हाई स्कोर भी किया था 212 का, और यहाँ पे दोस्तों जो चेस करते हुए 140 रन का स्कोर भी यहाँ पे हर्बर्ट हरिकेन्स वुमेन्स चेस कर गई थी। बाकी दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करने लेंगे यहाँ पे हेड टू हेड मुकाबलों की, तो दोनों टीम के बीच में लास्ट 10 मैच का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो कहीं ना कहीं हर्बर्ट हरिकेन्स ने 4 विन करें और सिडनी थंडर्स ने दोस्तों 6 विन करें, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो सिडनी थंडर्स वुमेन जो है अगेन हेड टू हेड में काफी बढ़िया कर रही है, बट होम ग्राउंड इस टीम का है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि ये जीत जाएगी, हार भी सकती है। रिसेंट फॉर्म अगर देखोगे हर्बर्ट हरिकेन्स वुमेन्स के लास्ट 5 मुकाबले 3 विन है 2 लॉस है। सिडनी थंडर्स की बात करेंगे तो इस टीम जो ने जो लास्ट 5 मैचेस खेले भाई 1 विन है और 4 लॉस है, बट अगेन हर्बर्ट हरिकेन्स सिडनी थंडर्स काफी बढ़िया खेलती है। बाकी दोस्तों बात कर लेंगे प्लेइंग 11 के बारे में, यहाँ पे सबसे पहले हर्बर्ट हरिकेन्स वुमेन्स की तो ओपनिंग जो दोस्तों आपको देखने को मिलने वाली लिजेन ली डेनियल वैट के द्वारा, दोनों ही कंसिस्टेंट बैट्समैन, ठीक है, काफ़ी अच्छा खेलने वाली, एंड उसके यहाँ पे इलेसा वेलिनी ये भी एक अच्छा परफॉर्मेंस देती है, मतलब एक हिसाब से ड्रीम टीम का प्लेयर रहती है ज़्यादातर मैचेस में दोस्तों। एंड अगले खिलाड़ी निकोला करी जो कि ऑलराउंडर है दोस्तों, बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, लेफ्ट बैट्समैन राइट एंड मीडियम पेसर हैं। एंड उसके बाद दोस्तों आपको मिलते हैं हेदर ग्रैब, ये भी दोस्तों ऑलराउंडर है, राइट एंड बैट्समैन राइट एंड मीडियम फास्ट पेसर बॉलर्स हैं, देखिए दोनों दोस्तों कहीं ना कहीं
चार चार ओवर भी करा सकती है। नहीं दोस्तों यहाँ पे ग्रम देखिए हितर ग्रम तो कहीं ना कहीं इनके चांस बन जाते हैं। निकोला कैरी भी दो से तीन ओवर तो करा सकते हैं, मतलब बॉलिंग कराएंगे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लास्ट अगर आप देखोगे इनके जो पांच प्लेयर मिले हैं स्टार्टिंग के, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहीं ना कहीं ये टीम कंसिस्टेंट है। देखिए बैटिंग तो उनके पास है दोस्तों, और बॉलिंग भी यहाँ पे इन दोनों के पास बढ़िया बढ़िया है। एंड उसको यहाँ पे चिलॉय ट्रेन भी ऑलराउंडर मिले, ये भी बॉलिंग कराते हैं, स्पिन बॉलर्स हैं, आपको पता है साउथ अफ्रीका खिलाड़ी रुथ जॉनसन जो कि दोस्तों ये भी ऑलराउंडर है, राइट बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन है। हालांकि कुछ नए खिलाड़ी हैं तो इनके ऊपर ज्यादा भरोसा बॉलिंग नहीं करके चलेंगे, बट मोली स्ट्रेन एक अच्छी स्पिन बॉलर जो कि चार ओवर कंफर्म इस खिलाड़ी के। एम स्मिथ दोस्तों आपको पता है लेग ब्रेक स्पिनर, लॉरेन स्मिथ आपको पता है कहीं ना कहीं रिसेंटली कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देकर के आ रही है, ठीक है। एंड जो है क्विक आपको मिल जाएंगे राइट मीडियम पेस बॉलर्स दोस्तों। देखिए इनके जो मेन बॉलर्स गाइस कहीं ना कहीं यहां पे ये चार मिल रही, ठीक है, बट मान चलिए इनके पास ऑलराउंडर कितने जो बॉलिंग करा सकते हैं, निकोला कैरी, हितर ग्रम और ट्रेन और दोस्तों रुथ जॉनसन, ठीक है, ये इनके पास ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे अगर किसी का महंगा ओवर जाता है, पहले ओवर में 10 से 15 रन पड़ गए एक ओवर में, तो उस कंडीशन से भाई यहाँ पे इनके पास ऑप्शन है, ठीक है। बट यहाँ पे जो चांस है देखिए ट्रेन ग्रम और निकोला कैरी की ज्यादा है ओवर कराने के दोस्तों। बाकी दोस्तों आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्टार्टिंग के ओवर जो रहने वाले हैं इस टीम तरफ से, ग्रम और उसका यहाँ पे मुलिस ट्रेनो जो है कुक स्टार्टिंग में देखने को मिल सकती है, निकोला कैरी और हितर ग्रम और दोस्तों एम स्मिथ जितने आपको बॉलिंग करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों किस खिलाड़ी को रखना है अगर ये टीम पहले बैटिंग करती है, चेज करती है, एंड आज के इस मैच में किसको कैप्टन वाइस कैप्टन करके चल सकते हैं, क्या हॉबर्ट हरिकेन सोमिन्स का होम ग्राउंड है, क्या यहाँ से हमें सीबीसी करके चलना है इस टीम से। दोस्तों लिजी ली की बात करें राइट बैट्समैन है, इनका सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई 93% और खिलाड़ी बढ़िया खेलती भी है, देख सकते हो रिसेंटली अगर आप देखोगे 63, 22, 0, 32 और 112 मतलब तेज खेलने वाले खिलाड़ी हैं। टोटल सामने टीम के गेम्स में 10 मुकाबले खेले हैं इन्होंने, 271 रन 27 का औसत है, वेनी दोस्तों 7 मुकाबले 196 रन 32 का औसत है, और फर्स्ट बैट करते 41 मुकाबले टोटल इन्होंने खेले 1094 रन दोस्तों 28 का औसत, चेस करते 37 मुकाबले और 970 का औसत। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आंकड़े इस खिलाड़ी के गजब के, ठीक है, भले ही लक ना साथ दे उसकी बात अलग है, बट सीबीसी का भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास ये रहने वाली यूनिक कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि कोई करेगा नहीं, करेंगे भी तो दोस्तों वही लोग करेंगे जिनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, ठीक है, जो मेगा ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक लाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है, यूनिक कॉम्बिनेशन करने के लिए सोच रहे हैं, यूनिक टीम बनाने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों। एंड डेनियल वेट की बात करें राइट बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉल्स 90% इनका सिलेक्शन रहने वाला है, रिसेंटली 16 और यहाँ पे 51, 43, 41, 2 और आपने देखा वोमेन वर्ल्ड कप T20 का जो चल रहा था भाई काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है और इंग्लैंड की प्लेयर गेस, और अगर देखोगे सामने टीम के गेस में 9 मुकाबले 182 रन 20 का औसत है, वेन्यू पर 2 मैच 23 रन दोस्तों 11 का औसत है। हालांकि अगर फर्स्ट बैट कर देखोगे तो 22 का औसत है, चेस करो दोस्तों 29 का औसत है। खिलाड़ी देखिए जहां तक तो हाईएस्ट सिलेक्शन है 90% सिलेक्शन है, बट यार अगेन भी फ्लॉप है और वेन्यू पर दोस्तों फ्लॉप है, रिसेंट अगर आप देखोगे तो अच्छा परफॉर्मेंस है, एक टीम के साथ चलोगे तो परफेक्ट है, आपको रखना है टीम में। एंड अगर एक से अधिक टीमों के साथ चलोगे तो कहेंगे दोस्तों फर्स्ट अगर ये टीम बैटिंग करे तो ड्रॉप करने का रिस्क भी आप ले सकते हो। एलेसा विलानी की बात करेंगे राइट बैट्समैन है एंड इनका सिलेक्शन परसेंटेज अगर आप देखोगे तो कितना 22%, ठीक है, एंड अगर रिसेंट देखोगे 11, 14, 19, 33, 1 मतलब एवरेज रन ज़्यादातर बनाती है। बाकी दोस्तों खिलाड़ी काफ़ी गजब के हैं, काफ़ी अच्छी इनिंग खेलती हैं, सामने टीम के गेम्स में 18 मुकाबले 535 रन 31 का औसत है, वेन्यू पे 12 मुकाबले 354 रन दोस्तों 39 का औसत है, फर्स्ट बैट करते हुए 25 का औसत और चेस करते हुए 41 का, मतलब चेस करते हुए ज़्यादातर आप भरोसा करके चलिएगा, फर्स्ट बैट करते हुए ऐसा यही सोच सकते हो कि 14, 15, 20 रन इस हिसाब से ये बना सकती है, ठीक है, मतलब फिर लंबी पारी आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड अगेन यहाँ पे निकोला कैरी बॉलिंग कर सकती है, मैंने बताया आपको रिसेंटली 5+1 विकेट 77 रन 21+1 विकेट 18+0 विकेट गई, 31% सिलेक्शन है, बहुत कम कह सकते हो, मतलब एक हिसाब से अगर 40% भी रहेगा तो भी कम है, और इस खिलाड़ी के पास भाई उतना अनुभव है कि आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अच्छा फैंटेसी पॉइंट प्रोवाइड कर सकती हैं, क्योंकि इनके पास बॉलिंग का भी ऑप्शन और बैटिंग का भी। देखिए दोस्तों 8 मुकाबले 63 रन 10 विकेटें सामने टीम के खिलाफ में, वेन्यू पर 18 मैच और 224 रन दोस्तों 13 विकेटें हैं, तो आप इससे समझा सकते हो कि बॉलिंग करा सकते हो, रिकॉर्ड काफ़ी बढ़िया इस खिलाड़ी के पास, 66 मुकाबले फर्स्ट बॉल करते हुए इसने खेले भाई 73 विकेटें निकाली और 656 रन भी हैं, और चेस करते हुए अगर सेकंड में बात करें तो 54 मैच में दोस्तों 52 विकेटें हैं एंड 784 रन भी हैं, तो आप समझ सकते हो कि खिलाड़ी अनुभवी हैं और हो सकता है तो गाइस आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन एक सेफ और यूनिक ऑप्शन बना सकते हो। बाकी दोस्तों बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे यहाँ पे हितर ग्राम की जो कि राइट बैट्समैन राइट आर्म मीडियम फास्ट पेसर है, 92% सिलेक्शन है इनका, रिसेंटली देखोगे 31 रन 1 विकेट 3 विकेट 6+1 विकेट 3+0 विकेट गाइस, ठीक है, सामने टीम के खिलाफ में इन्होंने 14 मुकाबले 20 विकेटें निकाली हैं, 205 रन भी बनाए और वेन्यू पे 10 मुकाबले 11 विकेटें और 234 रन, मतलब खिलाड़ी आप समझ सकते हो कि सीबीसी का ऑप्शन है, चाहे आप निकोला कैरी के साथ ही सेफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, फर्स्ट बॉल करते हो 60 मुकाबले 71 विकेटें हैं 862 रन भी बनाए और सेकंड बॉल करते हो 59 मुकाबले 57
विकेट दोस्तों 593 रन बनाए, तो सेफ ऑप्शन आपके लिए। एंड चिलर ट्रेन दोस्तों 14+1 विकेट 1+0 14+0। अब दोस्तों आपको पता है कि खिलाड़ी बॉलिंग तो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका टीम से अभी ओमेन वर्ल्ड कप में 4 ओवर कर रही थी, ठीक है, बट परफॉर्मेंस उतना खास नहीं आ रहा था बॉलिंग से। तो गाइस मैं अगर रिस्क लूंगा ना तो इस खिलाड़ी के ऊपर ड्रॉप करने का रिस्क लूंगा। 74% सिलेक्शन है, निकोले करी के साथ चलेंगे हम फिर, और यहाँ पे चिलर ट्रेन को मैं ड्रॉप करके चल सकता हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अदर कंट्री की प्लेयर है, तो गाइस कहीं ना कहीं आप पता है कि ऑस्ट्रेलिया की ओमेन बिग बैश लीग है, सीरीज है जो, तो उस कंडीशन से भाई जो प्रमोट किया जाएगा ना, तो ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर को प्रमोट किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो फिर मैं चांस यहाँ पर थोड़ा सा कम दे सकता हूँ ट्रायन को। एक रिस्क तो आपको लेना होगा दोस्तों, बड़ा रिस्क, ठीक है। एंड आपने देखा भी है दोस्तों ओमेन टी20 वर्ल्ड कप में रिसेंटली काफी खराब परफॉर्मेंस इन करा है। बैटिंग तो देख सकते हो, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मिडिल पे आती है 6-7 नंबर पे, तो मैं वैसे भी नहीं रखूंगा। और दोस्तों कहीं ना कहीं फिर बॉलिंग का चांस भी इनको कम बन सकता है, ठीक है, इस मैच में आपको बता रहा हूँ मैं अपना अनुभव दोस्तों। एंड रूट जॉनसन की बात करेंगे, क्योंकि इनके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शन है बॉलिंग के, 0.1% सिलेक्शन है, नई खिलाड़ी तो कोई रख नहीं रहा। हालांकि रिसेंटली जो इन्होंने लोकल मैचेस खेले, देखिए यहाँ पर 4 विकेट, बाकी 14, 18, 50+0, मतलब बॉलिंग का चांस थोड़ा सा कम बनते हैं। सामने टीम के खिलाफ में 4 मुकाबले 3 विकेटें, वेन्यू पे 8 मुकाबले 5 विकेटें, चांस इस प्रकार के खिलाड़ियों को मिल सकता है बॉलिंग का, ध्यान रखिएगा। एंड अगले खिलाड़ी दोस्तों मोलिस ट्वेन्यू, राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं, 76% सिलेक्शन है, कैप्टन वाइस कैप्टन का भी एक यूनिक ऑप्शन है आपके पास। देखिए रिसेंटली 3 विकेट 2 विकेट 0, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 विकेट। सामने वाली टीम के खिलाफ पे 17 मुकाबले 21 विकेटें, वेन्यू पे 3 मुकाबले दोस्तों 16 विकेटें। एंड 67 मैच फर्स्ट बॉल करते हुए इन्होंने 91 विकेटें निकाली हैं, सेकंड बॉल करते दोस्तों 58 मैच में 60 विकेटें निकाली, फर्स्ट बॉल करते हुए कहीं कहीं आप इनके साथ कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन भी रख सकते हो। बढ़िया खिलाड़ी दोस्तों, 2 से 3 विकेटें तो लेकर के जाएंगे। एंड एम एस स्मिथ की बात करें, लेग ब्रेक गूगली स्पिन बॉलर्स है, 15% सिलेक्शन है, रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 0-5-1 और यहाँ पे 0-2, इसी आप इनका परफॉर्मेंस है। बाकी सामने टीम के खिलाफ में 4 मुकाबले 3 विकेटें, वेन्यू पे 5 में 3 विकेटें, फर्स्ट बॉल करते 14 में 13, सेकंड 18 में 13, इस प्रकार के खिलाड़ी आपके काम आ सकती है, ध्यान दीजिएगा एम एस स्मिथ, ठीक है, और 15% सिलेक्शन इनका। एंड अगले खिलाड़ी दोस्तों लॉरेन स्मिथ, जो कि भाई इनका भी 20% सिलेक्शन है, लोग कम रख रहे हैं, और आपने इनका देखा होगा रिसेंटली जो इन्होंने खेला है भाई ओमेन वर्ल्ड कप में, ठीक है, तो गाइस उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था, हर मैच में विकेट निकाल रही थी, लास्ट मैच छोड़कर देखिए यहाँ पे 1 विकेट, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इस प्रकार के खिलाड़ी गाइस कहीं ना कहीं आपके स्मॉल लीग और हेडवेट की टीम के लिए एक यूनिक ऑप्शन होती है। मेगा ग्रैंड लीग के लिए तो थोड़ा सा रिस्की है, बट फर्स्ट बॉल करते हुए देख सकते हो 42 में 33 विकेटें, सेकंड 61 में 41 विकेटें, मतलब अनुभव है, विकेट छटका सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की लो सिलेक्शन खिलाड़ी आपके मेगा ग्रैंड लीग में अच्छी खासी दोस्तों रैंक लाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिएगा। एंड अनुभव भी दोस्तों इस खिलाड़ी के पास बढ़िया है। जॉय कुक की बात करें, राइट मीडियम फास्ट पेसर है, देखिए दोस्तों इन्होंने लोकल मैचेस खेले, अगर ये प्लेइंग में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनका डेब्यू होगा, और चांस अभी के लिए मैं कम दूंगा, अपडेट आपको टेलीग्राम पे दोस्तों मिल जाएगा। बेंच की बात करें यहाँ पे दोस्तों ब्रैशी और सूजी बेट्स, और यहाँ पे सिल्वर फोम में सूजी बेट्स तो आपको पता है कहीं ना कहीं अपने इंडिया टीम से मैच खेल रही है, एंड ब्रैशी एक अच्छी प्लेयर दोस्तों, 33+0 7+1 विकेट, इसी इनका परफॉर्मेंस है। हालांकि कोई अपडेट होगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। बाकी दोस्तों बढ़ेंगे सामने वाली टीम की तरफ, क्या क्या खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किसको किसको लेकर के चलना है। देखिए दोस्तों सिडनी थंडर्स की बात करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस टीम की तरफ से ओपनिंग जो देखने को मिलेगी चमारी अटापट्टू और टाइलम विल्सन के द्वारा। दोस्तों अटापट्टू आपको पता कि ज्यादा लोग ट्राई करेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन, एंड टाइलम विल्सन भी खेलती हैं, उतना खास नहीं खेलती, एवरेज रन बनाती हैं। फोबी लिचफील्ड आपको पता है ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर, लेफ्ट बैट्समैन है। एंड हितन नाइट जो कि ओमेन वर्ल्ड कप में फ्लॉप रही है पूरी तरीके से। एंड जॉर्जियो वॉल, एनिका लियोरोड, और दोस्तों यहाँ पे टेनेले फेस्चेल, हेनर डेलिंगटन एंड समंता बेट्स, उसके बाद दोस्तों सबनम स्पेल, अश्विनी एवे, ठीक है गाइस ये आपको मिलने वाले गाइस। देखिए आप इस टीम की तरफ से अगर देखोगे, थोड़ी सी नज़र मारोगे, तो गाइस कहीं ना कहीं इनके पास जो ऑप्शन है थोड़ा सा यूनिक ऑप्शन है, वो है इनके पास जो खेलने वाले खिलाड़ी दोस्तों, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे ये गाइस, ठीक है। इनके पास कम से कम 4-5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्मेंस दे सकते हैं गाइस। बाकी जो ऐसे हैं कि कुछ नए हैं जो इंटरनेशनल मैचेस इन्होंने नहीं खेले, वो कंडीशन से प्लेइंग में शामिल होंगे, तो भाई सामने टीम से आप एक्स्ट्रा प्लेयर लेकर के चल सकते हो, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने सामने टीम में थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा दिया, वहाँ से समझाया कि उस टीम की तरफ से आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। बाकी स्टार्टिंग में सबनम स्मेल और यहाँ पे डेलिंगटन और दोस्तों टपट्टू बॉलिंग करेंगे। सबनम स्मेल, हितन जो कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ गाइस, हितर ग्रम वाला मिस्टेक गई, ठीक है। सपना में वो समंत बैट्स तो ये आपको देश में बॉलिंग करेंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आपको बता दूं, कहीं ना कहीं हितर नाइट भी बॉलिंग करती हैं, तो वो भी आ सकती हैं एंड देश में। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे तालिया विल्सन और फिलहाल चमारी अटापट्टू का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए गाइस, क्या दोनों को लेकर चलना है। देखिए विल्सन की बात करें गई तो इनका 34% सिलेक्शन है। अब मान लीजिए गाइस देखिए इनका रिसेंट तो बढ़िया खेल है, 54, 81, 16, 12, 12,
बट सामने टीम के खिलाफ में 6 मुकाबले 8 रन है एंड 2 मुकाबले वेन्यू पे 8 रन दोस्तों फर्स्ट बॉल करते हैं, 18 मुकाबले 336 रन, 21 का औसत और चेस कर दोस्तों 26 मुकाबले 415 रन 21 का औसत। अब टीम में रखने की बात करेंगे इस तो देखिए जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो ठीक है, बहुत सारे लोग देखेंगे और यही आंकड़े आपको किसी दूसरे के वीडियो में भी मिल जाएंगे ठीक है, जो सेम तो सभी लोग बताते हैं, बट दोस्तों मैं आपको कुछ यूनिक और टिप्स और ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूंगा। सिलेक्शन कितना परसेंट दोस्तों का 34% ठीक है, और क्या करेंगे लोग ये रिकॉर्ड हेडवेट और वेन्यू वाला देख करके ड्रॉप करना चाहेंगे। पर दोस्तों रिसेंटली आप भी देखिए थोड़ा सा नजर मार सकते हो 54-81 की हाईएस्ट पारी भी है, तो इस प्रकार से भाई ये खिलाड़ी आपके लिए मेगा कॉन्टेस्ट में एज अ ड्रम कार्ड पिक होना चाहिए ठीक है। इस प्रकार के खिलाड़ियों को आप ऊपर आप ध्यान रखें क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करेंगे हेडवेट और वेन्यू को देख करके ड्रॉप करने के लिए सोचेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आता पट्टू की बात करें, बॉलिंग बैटिंग दोनों गाइस तो कहेंगे सेफ ऑप्शन निकोले कैरी या ग्राम के साथ आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। रिसेंटली देखिए अगर देखोगे 35+1 विकेट 1+1 विकेट 3+0 विकेट 6+3 विकेट 95% सिलेक्शन भी है इनका, लोग ज़्यादातर ट्राई भी करेंगे। बाकी अगर आप देखोगे दोस्तों सामने टीम के खिलाफ में 6 मुकाबले 160 रन है, वेन्यू पे 6 मैच 130 रन है दोस्तों बट विकेट नहीं है ठीक है। बॉलिंग कराती हैं बट विकेट दोस्तों थोड़ा सा कम मिलती है इनको, ध्यान रखिएगा ठीक है बिग बैश लीग में। एंड फोबिल स्पिल्ड अब इनका सिलेक्शन परसेंटेज 82% हो गया, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी गई और कहीं ना कहीं मिडिल पे बैटिंग कर रही थी इंटरनेशनल टीम में भी ऑस्ट्रेलिया के, 82% सिलेक्शन है 16, 15, 18, 9, 5। अब दोस्तों इनके आंकड़े काफ़ी गजब के हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं वोमेन बिग्स लीग में 27 मुकाबले 525 रन 25 का औसत फर्स्ट बैट करते हो, सेकंड 36 मुकाबले 687 दोस्तों 23 का औसत है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो इस खिलाड़ी को रखने के लिए तो फिर मैं प्रेफर करूंगा आपको फर्स्ट बैट करते हुए कि आप ट्राई करिएगा अपनी टीम में। जब दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर यहाँ पे आप जो है विल्सन को रख रहे हो ना तो उस टीम में थोड़ा सा आपको क्या करना है कि रिस्क थोड़ा सा आपको लेना होगा लिस्फील्ड के ऊपर ड्रॉप करने का अगर टीम चेस कर रही हो तब ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हितर नाइट तो आपको पता कि आउट ऑफ फॉर्म चले 74% सिलेक्शन है, अकड़े इनके पास भी ठीक ठाक है मतलब कि वोमेन बिग बैश लीग के, बट वोमेन बिग बैश लीग में खेलेंगी अच्छा खेलेंगी अच्छा प्रदर्शन करेंगे कि दोस्तों यहाँ पे ये आप समझ सकते हो, तो फिर कहीं ना कहीं रखना होगा आपको टीम में ठीक है इस खिलाड़ी को। एंड उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे जेर्जो एवल जो कि राइट बैट्समैन राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर 70% सिलेक्शन है, 32 और 29 0 42 19 बढ़िया बैटिंग करके जाती है, हालांकि आंकड़े उतने ठीक नहीं है फर्स्ट बैट करते हो तो 22 का औसत और चेस करते हो दोस्तों 18 का औसत है, वेन्यू पे 5 मुकाबले 63 रन, सामने टीम के खिलाफ में 6 मैच 53 रन। तो कहीं ना कहीं टॉप 4 आप रख रहे हो उस टीम के तो भाई जहाँ तक चांस कम दीजिएगा, अगर वहाँ से टॉप 2 रख रहे हो मतलब कि हितर नाइट को रख रहे हो और जो ओपनर दोस्तों वहाँ पर अटापट्टू उनको रख रहे हो और लिस्फेड को ड्रॉप कर रहे हो विल्सन को ड्रॉप कर रहे हो इस, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के खिलाड़ियों के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। यानी कि आप लियोन की बात करेंगे तो देखिए 6 और 60 16 39 21 खिलाड़ी के पास आंकड़े उतना ठीक नहीं है, हालांकि चाहो तो स्मॉल लीग और 3 से 4 मेंबर वाली टीम में रखना तो फिर रख सकते हो, बाकी मैं तो कहूँगा कि मत रखिएगा दोस्तों। एंड अगर हम बात करें फिर से कि तो इस कहीं ना कहीं बॉलिंग करनी है और बैटिंग के चांस बनते हैं तो बैटिंग भी कर जाते हैं, सामने टीम के खिलाफ में 8 मुकाबले 10 विकेटें हैं, वेन्यू पे 3 मुकाबले 0 विकेट, फर्स्ट बॉल करते हो 36 में 26 विकेटें हैं, सेकंड में 36 में 24 विकेटें, 0.1% सिलेक्शन है, रिसेंट अच्छा परफॉर्म कह सकते हो 1-2 विकेट, लास्ट 4 मैचेस में 3 विकेटें हैं, तो इस प्रकार के खिलाड़ी कहीं कहीं कम बैक करते हैं तो फिर सभी लोग चौंक जाते हैं दोस्तों। एंड है ना डेलिंगन की बात करें 15% सिलेक्शन है, खिलाड़ी काफ़ी गजब की परफॉर्मेंस देती हैं, रिसेंटली 1 विकेट 3 विकेट 0-0 3 विकेट, सामने टीम के खिलाफ में 6 में 8 विकेटें, वेन्यू पे 5 में 7 विकेटें, फर्स्ट बॉल करते हो 38 में 48, सेकंड में 20 में 32 विकेटें, खिलाड़ी बढ़िया, चाहो तो भाई वाइस कैप्टन भी रख सकते हो इनको। एंड उसके बाद यहाँ पे समंथा बेट्स की बात करें 51% सिलेक्शन इनका, 3 विकेट 2 विकेट 1 और यहाँ पे 1-0, सामने टीम के खिलाफ में 7 में 7 विकेटें दोस्तों, वेन्यू पे 3 में 2 विकेटें, फर्स्ट बॉल करते हो 69 में 63, सेकंड में 41 में 37, ठीक है सिलेक्शन हाई है ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा कम ही सोचूंगा, बाकी ऐसा नहीं है कि मेगा ग्रैंडली की टीम बनाए एक से अधिक तो फिर रखना पड़ेगा आपको। सबने मिसमैल दोस्तों कंफर्म प्लेयर आपकी टीम के लिए, अच्छा बॉलिंग करते हैं बट कहीं ना कहीं फर्स्ट बॉल करते हो थोड़ा ज़्यादा उम्मीद करिएगा। एंड यहाँ पर रिसेंटली बहुत अच्छी बॉलिंग है और वीसी का भी आपके पास ऑप्शन है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे सैनी एवे की तो फिर कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि ये नई प्लेयर हैं, खेलेंगे तो डेब्यू होगा इनका। बाकी कहीं अगर हम देखेंगे यहाँ पे बेंच तो फिर आपको मिलने वाली हैं ब्रिस्कोप जी एडम्स और यहाँ पे मुरे, तो आप लोग देख लीजिए कोई अपडेट होता है टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन अटापट्टू हिरम और ट्रॉयन ये लोग ज़्यादा ट्राई करेंगे, बट आपके पास मैंने बताया निकोले कैरी लिजिली और लिचफील्ड तो भाई थोड़ा सा हटके हो जाएगा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बाकी ये ऑप्शन आपके पास भी हैं और जो मैंने आपको बताया हुआ डेलिंगटन जैसे खिलाड़ियों को भी आप ट्राई करके चल सकते हो। इस देखिए अभी के लिए एक टीम का प्रयोग देखिए, अभी मैंने आपको जो ऑप्शन दिए ना ये ज़्यादातर लोगों का कॉम्बिनेशन होगा, ये 11 खिलाड़ी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों ये सभी के टीम में रहने वाले, मैं अभी अपनी टीम नहीं दिखा रहा हूँ मान चलिए आप लोग ठीक है, ये ज़्यादातर लोग करने वाले हैं, बट आपको क्या करना वो मैंने आपको बता दिया है आप किस प्रकार से टीम बनाओगे। देखिए अब यहाँ पर क्या है डेलिंगटन नहीं है मैं टीम में ठीक है, कोई लेकर ज़्यादा नहीं जाएगा तो फिर आप ट्रॉयन की जगह पर उनको रिस्क ले सकते हो,
ठीक है। ओल के जगह पे मैंने जो और ट्रम कार्ड खिलाड़ी बताया उनको आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि विल्सन को मैंने बताया गाइस। तो वो सारी चीज़ें जो है आफ्टर टॉस टेलीग्राम चैनल पे मैं बता दूंगा, क्योंकि दोस्तों ये कॉम्बिनेशन रहेगा। अब आप लोग सोचिए गाइस, कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन ज़्यादातर 90% लोगों का एक टीम पे तो रहने ही वाला है। अब यहाँ पे आप दोस्तों क्या यूनिक कर सकते हो, अगर मान लीजिए यही सेम टीम फर्स्ट रैंक भी आती गाइस, तो कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे, क्योंकि सभी लोगों ने बना रखा है दोस्तों, और ये सेम टीम आ नहीं सकती फर्स्ट रैंक पे। तो गाइस कहीं ना कहीं आपको पता है कि अगर आप टीम बनाते हो तो भाई एक दो खिलाड़ी आपके फ्लॉप हो जाते होंगे, तो वो खिलाड़ी फ्लॉप होते हैं बड़े सिलेक्शन वाले, और आपको फिर कौन से खिलाड़ी वहाँ पे दिखते हैं उनके जगह पे, लो परसेंटेज सिलेक्शन खिलाड़ी, जैसे ट्रॉयन को आप देख लीजिए, अगर ट्रॉयन यहाँ पे बॉलिंग नहीं करती तो एक तरीके से फ्लॉप है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो और चीज़ें होती हैं वो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम पे बताया जाता है। कुछ टर्म कार्ड खिलाड़ी आप लोग जरूर इंक्लूड करिएगा अपनी टीम में, जो मैंने आपको बताया। बाकी हमारी फाइनल टीम जो है आपको टॉस के बाद बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों, तो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो कमेंट सेक्शन और वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे रखा है। चलिए दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो में, जय हिंद जय भारत।